मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से करें, इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको दो मैट्रिक्स चाहिए होंगे, ए एंड बी। ए कोई मैट्रिक्स है एंड बी कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, और हमें ए इंटू बी यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए 1 2 3 4 एंड बी हमारा है 3 4 5 6। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, ए रो में इंटू बी कॉलम में, मल्टीप्लिकेशन का हमारा है ए रो में, ए के रो के टर्म्स एंड बी कॉलम में। किस तरह से, देखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, रो एंड कॉलम। सेकेंड इसी के लिए, सेकेंड टर्म्स के लिए 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, रो कॉलम। इसी सीक्वेंस में सेकेंड में रो कॉलम, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, नेक्स्ट सेम रो कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6, मल्टीपल कर लेंगे 1 3 जा 3 प्लस 3 5 जा 15, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20, 3 4 जा 12 प्लस 4 6 जा 24, ऐड कर लेंगे वो हमारा आंसर 18 29 16 36। मल्टीप्लिकेशन का रूल फिर से देखेंगे, ए के रो, रो का मल्टीपल कॉलम से, सेम डिजिट। इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब कॉलम ऑफ ए इक्वल होंगे रो ऑफ बी, यानी कि ए में जो भी कॉलम है उनकी संख्या हमारी, जब रो में जितने भी कॉलम हैं, बी में जितनी रो हैं उनसे बराबर होगी, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा की स्थिति में पॉसिबल नहीं होगा। फिर से देखेंगे, मान लो अगर ये कोई चेंज कर देते हम लोग, डिजिट्स चेंज कर देते, इक्वल ना होती, तो मल्टीप्लिकेशन होता कि नहीं होता। पहला क्वेश्चन हमारा इसी तरह से क्रिएट भी हो जाता है, ए मान लो दिया है 1 2 एंड बी दिया है 1 2। अब ए में कॉलम कितने हैं, 1 2, बी में रो कितनी है, 1 2, यानी कि ए बी हमारा क्या है, पॉसिबल है। अगर इसी में हम लोगों को फाइंड आउट करना होता बी ए, क्या फाइंड आउट करना होता बी ए, इसी में फाइंड आउट करना होता बी ए, तो बी में अब कॉलम कितने हो गए हमारे, 1 कॉलम, और रो कितनी है, 1 रो, 1 कॉलम 1 रो, तब भी हमारा बी ए पॉसिबल हो जाता, ठीक है, ये भी क्या हो जाता, पॉसिबल हो जाता। इसमें सम्स हैं हमारे सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। ए इक्वल दिया गया है, कह रहे हैं इफ़ ए इक्वल 3 5 4 -2 एंड बी इक्वल है हमारा 2 4, इज द प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल। पहले तो यही पूछ रहे हैं क्या ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, तो हमने कंडीशन क्या बताई, ए के कॉलम एंड बी की रो, ए के कॉलम एंड बी की रो यदि इक्वल होंगे तो पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो ए में कॉलम है 1 2, क्लियर है, बी में रो है 1 2, 2 by 2 है, यानी कि हमारा पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर पॉसिबल है, पूछ रहे हैं गिव अ रीजन, लिखेंगे कॉलम ऑफ ए इक्वल है रो ऑफ बी,
मतलब ए में जितने कॉलम्स हैं वो बी में रो के इक्वल हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट ए बी हमारा पॉसिबल है। इफ़ यस, यदि पॉसिबल है तो कह रहे फाइंड आउट। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे? 3 5 4 -2, यहाँ पे है 2 4। मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था पहले रो फिर कॉलम, रो का मल्टीपल कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 5 × 4। सेकेंड इसमें भी रो कॉलम, 4 × 2 - 2 × 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 5 = 4 = 20, 4 × 2 = 8 - 4 × 2 = 8, तो ये आ जाएगा 26 and 0। सेकेंड क्वेश्चन है सेम, इजी है। सेकेंड है हमारा ए, ए इक्वल है हमारा 2513 एंड बी इक्वल है 1 - 3 - 1 2। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड ए बी एंड बी ए, ए बी एंड बी ए दोनों फाइंड आउट करने हैं। एंड कह रहे हैं इज ए बी इक्वल बी ए, क्या ए बी इक्वल बी ए है, हमें ये भी क्लियरिफाई करना है। तो देखो पहले हम लोग ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी के लिए ए के एलिमेंट्स 2513, बी के एलिमेंट्स है हमारे 1 - 3 - 1 2। मल्टीपल में बताया था रो का मल्टीपल कॉलम के साथ में, 2 × 1 + 5 × - 3। सेकेंड रो का फिर कॉलम में 2 × -1 + 5 × 2, रो कॉलम, रो कॉलम। सेकेंड इसी सेकेंड के लिए रो कॉलम 1 × 1 + 3 × - 3, सेम प्रोसीजर रो इंटू कॉलम 1 × -1 + 3 × 2। मल्टीपल कर लेंगे 2 × 1 = 2 - 15, 1 - 9, 2 - 1 - 2 + 10 - 1 + 6। सॉल्व करेंगे 2 से 15 - 13, 1 से 9 - 8, 10 से 2 = 8, 6 से 1 = 5। ये हमारा ए बी फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग बी ए फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? बी ए, बी ए के लिए पहले बी के एलिमेंट्स 1 - 1 - 3 - 2 एंड ए के एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो हैं 2513। मल्टीपल का प्रोसेस हमने बताया पहले रो फिर कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो का कॉलम के साथ 1 × 2, 1 का 1 से 2 का 2 से, -1 × 1, फिर रो इंटू कॉलम, सेम प्रोसीजर 1 × 5 - 1 × 3, रो इंटू कॉलम 1 का 1 से 2 का 2 से, -3 × 2 + 2 × 1, रो इंटू कॉलम, सेम प्रोसीजर 3 × 5 + 2 × 3। 1 × 2 हो जाएगा 2 - 1, 3 × 2 - 6 + 2, 5 - 3 = 15 + 6, ये आ जाएगा 1 - 4 = 2 - 9। अब ये पूछ रहे हैं क्या ए बी इक्वल बी ए, ए बी हमारा आया था -13, यहाँ -13 दूर दूर तक नहीं है, तो लिख देंगे ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। इफ ए इक्वल थर्ड में है, ए इक्वल है 3 7 2 4, बी इक्वल है 0 2 5 3 एंड सी इक्वल है 1 - 4 - 5 6। हमें फाइंड आउट करना है ए बी माइनस 5 सी, ए बी माइनस 5 सी, ए बी का आपस में मल्टीपल और 5 का सी के साथ मल्टीपल। तो पहले हम लोग ए बी फाइंड आउट करें। ए बी के लिए ए के एलिमेंट्स 3 7 2 4 इंटू बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 0 2 5 3, माइनस का 5 सी के एलिमेंट्स थे हमारे 1 - 5 - 4 एंड 6।
मल्टीपल करेंगे, हमने बताया था रो का मल्टीपल कॉलम, फर्स्ट टर्म्स का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, बिल्कुल इजी है मल्टीप्लिकेशन। 3 × 0 प्लस 7 × 5, फिर इसी रो का सेकंड कॉलम से 3 × 2 प्लस 7 × 3, रो का मल्टीपल कॉलम से। ऐसे ही इसमें करेंगे रो का मल्टीपल कॉलम से 2 × 0 प्लस 4 × 5, एलिमेंट्स का भी सेम रो का मल्टीपल कॉलम से 2 × 2 प्लस 4 × 3, माइनस 5 का अंदर मल्टीपल हो जाएगा 5 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 30 मल्टीपल कर लेंगे 3 प्लस 7 5 जा 35, नहीं 3 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 20, 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड 30, तो ये हमारा आ जाएगा 35, यहाँ नीचे आ जाएगा 21 में 6 ऐड होके 27, 12 में 4 ऐड होके 16, माइनस करके है 5 माइनस 20 माइनस 25 30। सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही था, सेम डिजिट सेम से, 35 माइनस 5 हो जाएगा ये 27, माइनस माइनस प्लस के 25, 20 माइनस माइनस ये भी प्लस के 20 एंड 16 माइनस का 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये 40, ऐड करके ये 52 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 14। ये हमारा थर्ड का आंसर। ए इक्वल में दिया है 1 2 2 1, बी इक्वल में कह रहे हैं 2 1 1 2। हम लोगों को कह रहे हैं ए इंटू बी ए निकालना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल है ए का बी ए के साथ। पहले तो हम बी ए का मल्टीपल निकाल लें, जो भी आएगा उसका फिर से ए के साथ मल्टीपल करना है हम लोगों को, ठीक है ना। देखो पहले बी ए का मैथ में 2 1 1 2 1 2 2 1 मल्टीपल का आपने प्रोसेस फिर से देखो, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में 2 × 1 प्लस 1 × 2, रो का कॉलम में 2 × 2 प्लस 1 × 1, फिर नीचे सेम वही रो का कॉलम के साथ 1 × 1 प्लस 2 × 2, फिर रो का कॉलम में 1 × 2 प्लस 2 × 1, मल्टीपल कर लेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 प्लस 4 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4 5 5 4। ये हमारा बी ए फाइंड आउट हो गया, मिस्टेक नहीं करेंगे, बी ए लास्ट में है, ए फर्स्ट में है, तो ए इंटू बी ए हमें निकालना है। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे 1 2 2 1, और बी ए के क्या निकल के आए हैं 4 5 5 4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ में 1 × 4 प्लस 2 × 5, नेक्स्ट हो जाएगा 1 × 5 प्लस 2 × 4, सेम 2 × 4 प्लस 1 × 5, 2 × 5 प्लस 1 × 4, ये हो जाएगा हमारा 4 + 10 8 + 5 5 + 8 10 + 4, तो यह आ जाएगा 14 13 13 14, दिस इज द आंसर। हमारा ए इक्वल है हमारा 2 1 4 2 2 1 4 2, बी इक्वल है 3 4 -1 -2 एंड सी इक्वल है हमारा -3 0 1 -2। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ए बी सी निकालना है एंड ए सी बी निकालना है, फिर बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं हैं। ए बी सी के लिए हम लोग फ्री हैं, चाहें तो पहले बी सी निकाल लें उसके साथ ए का मल्टीपल कर लें, दूसरा वे है ए बी निकाल लें फिर उसके साथ सी का मल्टीपल कर लें, तो हम लोग ए बी ही फाइंड आउट करते हैं। पहले ए है हमारा 2 1 4 2 एंड बी है हमारा
थ्री माइनस वन फोर माइनस टू। मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड, रो का मल्टीपल कॉलम से, रो का कॉलम से, रो का टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू माइनस वन, सेम रो का कॉलम से टू इंटू फोर प्लस वन इंटू माइनस टू, रो का कॉलम के साथ फोर इंटू थ्री प्लस टू इंटू माइनस वन, रो का कॉलम के साथ फोर इंटू फोर प्लस टू इंटू माइनस का टू। मल्टीपल करेंगे सिक्स माइनस वन ट्वेल्व माइनस टू, एट माइनस टू सिक्सटीन माइनस फोर आ जाएगा फाइव टेन सिक्स ट्वेल्व। अब ए बी के साथ सी का मल्टीपल होना है, ए बी के साथ सी का होना था, तो ए बी हमारा आया था फाइव टेन सिक्स ट्वेल्व, सी थे हमारे माइनस थ्री ज़ीरो वन माइनस टू, ये डिजिट्स थी। अब मल्टीपल के लिए फिर वही प्रोसेस, रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ सेम एलिमेंट्स के साथ, पहले का पहले से फाइव इंटू माइनस थ्री, दूसरे का दूसरे से प्लस सिक्स इंटू फोर, सेम नेक्स्ट में हो जाएगा फाइव इंटू वन प्लस सिक्स इंटू माइनस टू, टेन इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व इंटू फोर, टेन इंटू वन प्लस ट्वेल्व इंटू माइनस टू, फाइव थ्री ज़ा ये हो जाएगा माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, टेन थ्री ज़ा थर्टी प्लस ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट, फाइव वन ज़ा फाइव माइनस ट्वेल्व टेन माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा नाइन, ये हो जाएगा एटीन, ये आ जाएगा सेवन, ये फोर्टीन, दिस इज द आंसर। वेट फोर साइन थर्टी इंटू साइन नाइन्टी, टू कॉस सिक्सटी, टू कॉस ज़ीरो का मल्टीपल होना है फोर फाइव फाइव फोर से, फोर फाइव फाइव फोर से। साइन थर्टी की पहले इनकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग, फोर इंटू साइन थर्टी वन बाई टू, साइन नाइन्टी हमारा वन, टू इंटू कॉस सिक्सटी वन बाई टू, टू इंटू कॉस ज़ीरो वन, फोर फाइव फाइव फोर, टू टू जा फोर, टू से टू कैंसिल, ये आ जाएगा टू वन वन टू का मल्टीपल होना है फोर फाइव फाइव फोर से, रो का मल्टीपल कॉलम से। तो देखो रो कॉलम टू इंटू फोर प्लस वन इंटू फाइव, टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू फोर, सेम नीचे वन इंटू फोर प्लस टू इंटू फाइव, वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू फोर, मल्टीपल कर लेंगे टू फोर जा एट प्लस फाइव, फोर प्लस टेन, टेन प्लस फोर फाइव प्लस एट, तो ये आ जाएगा थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन थर्टीन, दैट्स अ आंसर। बी प्लस बी ए फाइंड आउट करना है सेवन में, आ जाएगा हम लोगों को एट में, एट में निकालना है टू बी माइनस ए स्क्वायर, ये भी कर लेंगे बी के साथ टू का मल्टीपल ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। नाइन नंबर देखते हैं, नाइन नंबर थोड़ा सा अच्छा है, ए इक्वल है हमारा वन टू थ्री फोर, बी इक्वल है टू वन फोर टू, एंड सी इक्वल है फाइव वन सेवन फोर। अब इसमें मिक्सअप किया है लास्ट एक्सरसाइज का, ए बी प्लस सी फाइंड आउट करना है एंड बी प्लस सी ए फाइंड आउट करना है। तो देखो बी प्लस सी के लिए पहले बी एंड सी को ऐड कर दें, ए के एलिमेंट्स थे वन टू थ्री फोर, बी के थे टू वन फोर टू, और इसको ऐड करना है सी के साथ फाइव वन सेवन फोर के साथ, ऐड कर लेंगे पहले वन टू थ्री फोर हमारे वैसे ही बने रहेंगे, टू में फाइव ऐड किया सेवन, फोर में सेवन ऐड किया एलेवन, वन में वन ऐड किया टू, एंड टू में फोर ऐड किया सिक्स। इसके बाद मल्टीपल कर लेंगे, मल्टीपल का वही प्रोसेस रो का कॉलम के साथ, तो वन इंटू सेवन प्लस टू इंटू इलेवन, फिर रो का कॉलम के साथ वन इंटू टू
प्लस टू इंटू सिक्स, सेम रो का कॉलम के साथ, थ्री इंटू सेवन प्लस फोर इंटू इलेवन, सेम रो का कॉलम के साथ, थ्री इंटू टू प्लस फोर इंटू सिक्स, मल्टीपल करके सेवन प्लस ट्वेंटी टू, ये आ जाएगा टू प्लस ट्वेल्व, ट्वेंटी वन प्लस फोर्टी फोर एंड सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर, ऐड करेंगे तो ये 29, ये 14 और ये हमारा हो जाएगा 65 और ये 30, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से बड़े हो जाएंगे सम्स, जैसे 11 नंबर दिया है, कह रहे हैं ए इक्वल में है 1021 एंड बी इक्वल में है 23-10। हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालना है। सम्स देखो सिंपल है, बस करना क्या क्या है, पहले ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए फाइंड आउट कर लें हम लोग। तो देखो ए का ए के साथ ही मल्टीपल होना है, 1021 का मल्टीपल 1021। अगर प्रोसेस मल्टीपल का हम लोगों को पता है, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हमने बताया, क्या रो का मल्टीपल कॉलम के साथ, रो का मल्टीपल कॉलम के साथ 1 into 1 प्लस 0 into 2, फिर सेकेंड रो का सेकेंड 1 into 0 प्लस 0 into 1, अब सेकेंड रो का कॉलम के साथ 2 into 1 प्लस 1 into 2, फिर इसका इसके साथ 2 into 0 प्लस 1 into 1, 1 plus 0, 2 plus 2, 0 plus 0, 0 plus 1, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 1401, ये ए स्क्वायर आ गया। अब इसी प्रोसेस में आगे है हमारा ए बी, सेकेंड टर्म्स था ए बी, ए का बी के साथ मल्टीपल, ए का बी के 1021 का मल्टीपल है 23-10 के साथ। मल्टीपल के लिए हमने बताया रो का मल्टीपल कॉलम के साथ 1 into 2 प्लस 0 into -1, रो का मल्टीपल कॉलम के साथ 1 into 3 प्लस 0 into 0, रो का मल्टीपल कॉलम के साथ 2 into 2 प्लस 1 into -1, रो का मल्टीपल कॉलम के साथ 2 into 3 प्लस 1 into 0, 2-0, 4-1, 3+0, 6+0, आंसर हमारा आ जाएगा 2, 3, 3, 6। ये अभी ए बी आया, अब इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारी, इसमें हमें बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बी स्क्वायर का मतलब है बी का मल्टीपल बी के साथ में, बी का मल्टीपल बी के साथ में क्या है, बी हमारा 2, 3-10 का मल्टीपल 2, 3-10, सेम प्रोसेस रो का मल्टीपल कॉलम के साथ में 2 into 2 प्लस 3 into -1, 2 into 3 प्लस 3 into 0, -1 into 2, -1 into 2 प्लस 0 into -1, -1 into 3 प्लस 0 into 0, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा 4-3-2 प्लस 0, 6+0, -3+0, तो ये आ जाएगा 1, 6-2-3, ये बी स्क्वायर आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सारी वैल्यू रखें हम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा निकल के आया था 1041 में ऐड होना है, ए बी आया था 2, 3, 3, 6 प्लस बी स्क्वायर हमारा आया था 1, 6-2-3, अब ऐड करना है तो एक साथ ऐड हो जाएगा 1 plus 2 plus 1, 1, 1, 1, सेम हो जाएगा 0 plus 3 plus 6, 4 plus 3 plus -2 एंड 1 plus 6 -3, तो ये आ जाएगा 4, 4, 3, 7 से 2, 5, 6, 3, 9 and 7 से 3 ये 4, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन लॉन्ग है, बस प्रोसेस हमारा वही है सिंपल।
क्रम से चलेंगे, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, नेक्स्ट हम लोग बी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद तीनों को रख के वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये भी सिंपल है, अभी इसी में बढ़ जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर, तो वो केवल लेंथ बढ़ेगी सम्स की, सम्स हमारा प्रोसेस वही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन आता है हमें, मल्टीप्लिकेशन फिर से देखेंगे, हमने बताया रो का मल्टीपल कॉलम से, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट्स का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट्स का कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीपल, इसी प्रोसेस में हम लोग एक्सरसाइज कर डालेंगे।